आप देख रहे हैं एसकेके न्यूज। सिद्धार्थनगर में बांसी के कमरिया गांव में प्रशासन द्वारा खलिहान की जमीन पर किया गया अवैध कब्जा हटवा दिया गया। बता दें कि गांव निवासी कुछ लोगों ने कई वर्षों से गांव के खलिहान की जमीन पर कब्जा कर पक्का मकान और तीन छप्पर का निर्माण कर लिया था। वहीं कब्जेधारियों में से एक व्यक्ति ने कोर्ट से सरकारी जमीन को खाली कराने का आदेश जिम्मेदारों को देने की बात कही, जिसके बाद तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवा दिया। जालौन के कोच में सीओ ने मोरंग और बालू से लदे ओवरलोड दो ट्रकों को जब्त किया है। वहीं एक ट्रक में नंबर प्लेट में नंबर सही नहीं पाए जाने पर उसे पकड़कर कोतवाली में खड़ा कर दिया गया। इस मामले पर सीओ ने बताया कि एक ट्रक चालक मौका देखकर भाग खड़ा हुआ, जबकि दो ट्रकों के ओवरलोड होने के कारण और एक ट्रक में नंबर प्लेट न होने के कारण उन्हें कोतवाली में खड़ा किया गया है। साथ ही आगे की कार्यवाही भी की जा रही है। बागपत में क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान बड़ौत में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की योजना के तहत प्रशिक्षण के पांचवें दिन 30 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में महिलाओं को सशक्तिकरण और महिलाओं को समूह बनाकर कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बागपत के बड़ौत में होली के एक दिन बाद पुलिसकर्मियों ने जमकर होली खेली। वहीं डीजे पर चल रहे फिल्मी गानों पर डांस भी किया। होली के अवसर पर सभी पुलिसकर्मियों ने रंग लगाकर एक दूसरे को होली की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। बागपत में बड़ौत के कमलानगर में बच्चे का अपहरण करने में असफल होने पर आरोपी युवकों ने एक महिला की पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि मासूम बच्चा अपने घर के सामने खेल रहा था, इस दौरान कुछ युवकों द्वारा बच्चे का अपहरण करने पर बच्चे की मां ने उक्त युवकों का पीछा कर अपने बच्चे को छुड़ा लिया। वहीं बदमाशों ने महिला की पिटाई कर दी, लेकिन महिला ने हिम्मत दिखाते हुए युवक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। बहराइच के महादेव टांडा में बीती रात अज्ञात लोगों द्वारा खेत में बने बंगले में आग लगा दी गई, जिससे बंगला जलकर पूरी तरह से राख हो गया। वहीं गांव वालों ने बताया कि रात में कुछ लोग बैलगाड़ी लेकर आए थे और जंगल की तरफ शिकार खेलने की बात कह रहे थे, जिसके बाद ही यह वारदात सामने आई है। वहीं इस आगजनी से बंगले में रखा हुआ सामान भी जलकर राख हो गया। कोडरमा के दक्षिणी पंचायत भवन में समाज सेवियों की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने होली को रंगों और खुशियों का त्योहार बताते हुए सभी को होली की बधाई दी। वहीं मौके पर सभी लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली के उत्सव को उत्साह के साथ मनाया। गिरडी में स्थित भंडारो कॉलेज के पास सीमेंट की दुकान में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध शराब निर्माण की मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया। इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। वहीं मौके से 35 लीटर स्प्रिट और खाली गैलन सहित कई अन्य अवैध सामान भी बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि इस कार्रवाई में 6 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है, जिन पर कार्रवाई की जा रही है।